मुंबई की लोकल ट्रेन में अक्सर सफर करते समय लोग जल्दबाजी में अपना सामान भूल जाते हैं। घर पहुंचकर जब याद आता है कि अरे सामान तो ट्रेन में ही छोड़ गया, तब उन्हें काफी दुख भी होता है। लेकिन यात्रियों के छोटे सामान की हिफाजत रेलवे विभाग करता है और मालिकों को लौटा भी देता है। गौरतलब है कि जनवरी और जून 2022 के बीच पश्चिम और मध्य रेलवे सुरक्षा बल RPF के मुंबई डिवीजन ने 995 यात्रियों का सामान बरामद किया, जिसमें दैनिक औसत कीमती सामान था। 2021 में दैनिक औसत लगभग 3.35 था। लोकल ट्रेन में खोए कितने करोड़ रुपए के सामान किया गया बरामद? आपको बता दें, मध्य रेलवे ने जनवरी से जून 2022 के बीच लगभग 2 करोड़ रुपए के मूल्य के 670 यात्रियों का सामान बरामद किया। इन 670 यात्रियों में से 354 यात्रियों का लगभग 1.5 करोड़ रुपए का सामान मुंबई मंडल से ही बरामद किया गया। मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी सुतार ने बताया कि मुंबई मंडल के अलावा भुसावल मंडल के 143 और नागपुर मंडल 81, पुणे मंडल के 73 और सोलापुर मंडल के 38 यात्रियों का करोड़ों का सामान बरामद किया गया।